आपके पास सबसे ज़्यादा कमी क्या है? द्रव्य इच्छा शक्ति की है। हमसे ये नहीं होगा, वो तो बहुत तेज है। अरे भाई, तेज है तो आप तेज नहीं बन सकते हो, आप भी तेज बन सकते हो, मेहनत करो उसके जैसा। वो क्या करता है? वो मेहनत करता है, आप मेहनत करते नहीं हो, बोलते हो कि वो तो बहुत तेज है, कुछ भी नहीं है, आप मेहनत करो बिछड़ जाएगा। देखिए, कहते हैं कि रिविजन टू ब्रिलियंट। जब आप रिविजन करने लगेगा ना, तो ब्रिलियंट आप खुद ब खुद, छः बॉल है ठीक, और छः बॉल में लास्ट ओवर है, छः बॉल में उसको 20 रन बनाना है। कितना? 20 रन बनाना है। तो वो कैसे खेलेगा? वो हर एक गेंदा को हिट करेगा, हर एक गेंदा को मारने का प्रयास करेगा, ताकि वो 20 रन तक पहुंच सके। ठीक इसी प्रकार आपके पास समय कम है, आपको क्या चाहिए? आपको बेहतर अंक चाहिए, तो आपको डेली रेगुलर चलना होगा, और अभी होंक के चलना होगा, होंक के पढ़ाई करने का प्रयास करना होगा। क्योंकि एक खिलाड़ी को जब उसके पास 6 बॉल होता है, वो सोचता है कि मैं बार बार छक्का मारूँ, तब जाके वो बाउंड्री लगाएगा, तब जाके 20 रन तक पहुँच पाएगा। ठीक उसी प्रकार आप डेली पढ़ाई कीजिएगा नियमित तौर तरीके से, 8 घंटा 10 घंटा, तो आप जरूर बोर्ड परीक्षा में बेहतर करोगे। ठीक ना हो कि आप सेट कर लीजिए कि हमें बोर्ड परीक्षा में 40% लाना है। तो कहते हैं कि छोटा लक्ष्य अपराध है। APJ अब्दुल कलाम कहे हैं कि छोटा लक्ष्य अपराध है, लेकिन सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है। सब कहते हैं कि सपने वे नहीं होते जो रातों में आया करते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। तो आप सपना देख लिए हैं कि 80% मैं बोर्ड परीक्षा में ला रहा हूं, तो बातों से नहीं होता है। मैं बार बार बोलता हूं कि बातों से कुछ नहीं होता है, उसके लिए हमें करना होता है। तो ठीक, तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे आशा है कि आप बहुत बेटर होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीका से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दिसंबर से कैसे पढ़ाई करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर माह आते आते सभी छात्र छात्राएँ ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं एग्ज़ाम को लेकर, तो ऐसे में छात्र किस रणनीति के साथ पढ़ाई करें कि कम समय में बेहतर अंक ला सकें। तो इसके लिए जो वीडियोज है बहुत खास है, बहुत सारे इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे परसेंटेज आएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि बातों से कुछ नहीं होता है, उसके लिए करना होता है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। खाने के लिए भी हाथ उठाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको बोर्ड परीक्षा में बेहतर करना है, तो इसके आपको दिन रात मेहनत करना होगा। जितने दिन भी आपके पास बचे हुए हैं 12th वालों के लिए या 10th वालों के लिए, इसमें आपको लगन के साथ पढ़ाई करना होगा और एकदम जुनून के साथ पढ़ाई करना होगा। बातों को नहीं टालना होगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। क्लियर है? तो आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से टिप्स हैं और कौन कौन से टिप्स हमें फॉलो करना चाहिए ताकि बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम आ सके। वो कहते हैं कि रख हौसला, ओ मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सबसे पहले देखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हमारा चारों मंथ बीत चुका। इसमें हम जो भी पढ़ाई किए नहीं किए उसमें हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दिसंबर से आपको एकदम कसम खा लेना है कि मैं रेगुलर पढ़ाई करूँगा, मैं रेगुलर पढ़ाई करूंगा, मैं किसी से कम नहीं हूं, किसी से कम नहीं हूं, मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा करूंगा, नींद पर विशेष ध्यान रखूंगा या रखेंगे। ठीक, सबसे पहले ये जो बात है आप अभी कहीं नोट कर लीजिए कि मैं रेगुलर पढ़ाई करूंगा। जब तक आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे, मम्मी बोलती है बेटा पढ़ लो, तो क्या बोलते हो? मम्मी मैं बाद में कर लूंगा। और इसी बाद करते करते आप यहां तक आ गए और दिसंबर माह भी आ गया, अभी आप बोल रहे हो कि सर हमारे तो अभी कुछ भी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ। देखिए बाबू, सिलेबस ख़त्म के करने में चक्कर में पड़िएगा तो सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। वो भी शॉर्ट में सिलेबस आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप याद नहीं कर सकते हैं। आपको याद भी रखना है और बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है। तो उसी रणनीति के साथ आप पढ़ाई करिए ताकि आपका क्या हो सके, सिलेबस भी इंड हो जाए और बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम भी आ सके। तो सिलेबस के चक्कर में एकदम मत पड़िएगा कि एकदम पूरा हम सिलेबस खत्म करेंगे। नहीं पढ़े हैं, अभी से सीख मिल गया, बाद में कर लीजिएगा। क्लियर है? मगर आज से कहीं नोट कर लीजिए, मैं रेगुलर पढ़ाई करूंगा, मैं किसी से कम नहीं हूं। APJ अब्दुल कलाम भी कहे हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूं, यानी
कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप में भी वो जुनून है, वो जज्बा है कि बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा प्रदर्शन करने के लिए। ठीक, आपके भी दो हाथ है, जो टॉपर बनेगा उसके भी दो हाथ है, उसके भी दो आँख है और एक मुँह है, आपके जैसा ही है, तो क्यों आप नहीं कर सकते हैं? क्या आप नहीं कर सकते हैं? आपके पास सबसे ज़्यादा कमी क्या है? द्रव्य इच्छा शक्ति है। हमसे ये नहीं होगा, वो तो बहुत तेज है। अरे भाई, तेज है तो आप तेज नहीं बन सकते हो, आप भी तेज बन सकते हो। मेहनत करो उसके जैसा। वो क्या करता है? वो मेहनत करता है, आप मेहनत करते नहीं हो, बोलते हो कि वो तो बहुत तेज है, कुछ भी नहीं है, आप मेहनत करो, बिछड़ जाएगा। देखिए, कहते हैं कि रिविजन टू ब्रिलियंट। जब आप रिविजन करने लगेगा ना, तो ब्रिलियंट आप खुद ब खुद बनते चले जाइएगा। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, रिविजन, जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा आप ब्रिलियंट के श्रेणी में आइएगा। क्योंकि हमारा माइंड है, हमारा माइंड क्या है? भूलता है। और सभी के भूले गए बातों को हम कैसे याद रख सकते हैं? एकमात्र जरिया है रिवीजन। तो आपको रिवीजन करना होगा। सब कोई पढ़ता है लेकिन याद सब किसी को नहीं रहता है। मेरे को भी सभी बातें याद नहीं रहता, मैं बार बार रिवीजन करता हूँ। क्लियर है? तो इस बात को आप ज़रूर नोट कीजिएगा। उसके बाद है, अब आइए इधर, जो अब तक पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए क्या करना होगा भाई दिसंबर से। तो जो पढ़ाई नहीं किए हैं, तो सबसे एक नंबर में अपडेटेड सिलेबस, यानी जो भी इसका अपडेटेड सिलेबस है बिहार बोर्ड का, चाहे आप जिस बोर्ड से हो, उसका अपडेटेड सिलेबस आपके पास होना चाहिए। मात्र 10 रुपया या 15 रुपया का मिलेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा दिसंबर से पढ़ाई करने में। इससे पता चलेगा किस चैप्टर से अधिक प्रश्न आते हैं और किस चैप्टर में से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं। सिलेबस ये हमारा बहुत आधा बड़ा रोल अदा करेगा आपके बोर्ड परीक्षा में दिसंबर से तैयारी करने हेतु। तो सबसे पहले जो भी आपका है अपडेटेड सिलेबस जिस बोर्ड का है, आप लोग रख लीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद है क्वेश्चन बैंक। भाई, क्वेश्चन बैंक किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो बड़ा सा बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, PVS का क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे अनुसार लगभग 10% आपके बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आते हैं, यानी कि PVS के प्रश्न आते हैं। तो PVS पर अगर फोकस करते हैं अच्छा से, तो 10% आपके हाथ में है और कुछ मेहनत कीजिएगा आपके हाथ में आएगा और बेहतर प्रदर्शन आप करने के एकदम राह की ओर जा रहे हैं और बेहतर करोगे भी। ठीक, उसके बाद है मॉडल पेपर। जो भी मॉडल पेपर निकलेगा 2021 में, अभी दिसंबर के लास्ट में हो सके तो ऑफिशियली आ जाए, ऐसे मार्केट में उपलब्ध है सब, नकली पैसा कमाने के लिए बेच रहा है लोग, तो उस पर विशेष ध्यान आप नहीं दे सकते हैं। आप क्वेश्चन बैंक लीजिए और क्वेश्चन बैंक को एकदम रगड़ दीजिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम कम है और हमें कम टाइम में बेहतर अंक चाहिए। देखिए, एक एग्जांपल देते हैं आपको। देखिए कि अभी जैसे कि आप जानते हैं कि एक खिलाड़ी, आप IPL देखे होंगे या वर्ल्ड कप देखे होंगे या T20 अभी हुआ था, उसमें देखे होंगे कि किसी खिलाड़ी को, मान लीजिए 6 बॉल है, किसी खिलाड़ी के पास 6 बॉल है, ठीक, और 6 बॉल में लास्ट ओवर है, 6 बॉल में उसको 20 रन बनाना है। कितना? 20 रन बनाना है। तो वो कैसे खेलेगा? वो हर एक गेंदा को हिट करेगा, हर एक गेंदा को मारने का प्रयास करेगा ताकि वो 20 रन तक पहुंच सके। ठीक इसी प्रकार आपके पास समय कम है, आपको क्या चाहिए? आपको बेहतर अंक चाहिए, तो आपको डेली रेगुलर चलना होगा, वो भी होंक के चलना होगा, होंक के पढ़ाई करने का प्रयास करना होगा। क्योंकि एक खिलाड़ी को जब उसके पास 6 बॉल होता है, वो सोचता है कि मैं बार बार छक्का मारूँ, तब जाके वो बाउंड्री लगाएगा, तब जाके 20 रन तक पहुँच पाएगा। ठीक उसी प्रकार आप डेली पढ़ाई कीजिएगा नियमित तौर तरीका से, 8 घंटा 10 घंटा, तो आप ज़रूर बोर्ड परीक्षा में बेहतर करोगे। ठीक उसके बाद है कि टारगेट बनाओ पहले एग्ज़ाम की तैयारी का, कि हमें कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना है। ठीक, अपने से बनाना है, किसी बातों को आप फॉलो कीजिएगा उसको फॉलो कीजिए, और हमारे बात को फॉलो करना चाहते हैं हमारे बात को आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टारगेट बनाना होगा एग्ज़ाम की तैयारी का। उसके बाद है गोल सेट करना होगा कि हमें बोर्ड परीक्षा में कितना परसेंट लाना है, 80%, 85%, 90%। देखिए, अब ऐसा ना हो कि आप सेट कर लीजिए कि हमें बोर्ड परीक्षा में 40% लाना है,
तो कहते हैं कि छोटा लक्ष्य अपराध है। एपीजे अब्दुल कलाम कहे हैं कि छोटा लक्ष्य अपराध है, लेकिन सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है। सब कहते हैं कि सपने वे नहीं होते जो रातों में आया करते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। तो आप सपना देख लिए हैं कि 80% मैं बोर्ड परीक्षा में ला रहा हूँ, तो बातों से नहीं होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बातों से कुछ नहीं होता है, उसके लिए हमें करना होता है। तो ठीक, तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा 80%, 85%, 90% के लिए। उसके बाद ही से महत्वपूर्ण बात क्या है आपको कि आंसर लिखने का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा। जो भी आप आंसर लिखिएगा उस पर बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जब आप जाइएगा बोर्ड परीक्षा में तो वहाँ पर आपको लिखने का क्या अभ्यास नहीं रहता है, तो आपका क्या हाथ दुखेगा। इसीलिए अभी से आपको डेली 3 पेज या 4 पेज लिखना है, अपने नोट्स को लिखना है। ऐसे में क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगा और एक स्पीड भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद है देखिए, जो भी आप काम कर लिए, इसमें क्वेश्चन ले लिए और क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए, मॉडल पेपर कर लिए और जो भी आपका है, तो उसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण बात है सेट प्रैक्टिस, वो भी टाइमर लगाकर, टाइमर ऑन करके कि हम कितना देर में पूरा 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। 10-5 सेट बना लीजिए या मार्केट में उपलब्ध है तो मार्केट से ले लीजिए। और टाइमर लगाकर, क्या टाइमर लगाकर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बोर्ड परीक्षा में 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है मैथमेटिक्स के पेपर में, तो उसमें ऑब्जेक्टिव रहते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। तो जैसे कि आप लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, आपका टारगेट रहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में ले लेंगे, कितना देर में आप उसको ख़त्म कर दे रहे हैं, सही सही यानी 50 टिक कर दे रहे हैं इस पर, यानी बना दे रहे हैं, टिक करना केवल नहीं बना दे रहे हैं, सही सही। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना होगा कि टारगेट बी में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो सब्जेक्टिव कैसा होगा, जो भी क्वेश्चन बैंक में है तो रिपीट होगा, क्वेश्चन बैंक से ले सकते हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आप सिलेबस लीजिएगा, उस पर विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर का आता है तो उसी से हम लोग ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपके पास शॉर्ट्स नोट्स हैं तो शॉर्ट्स नोट्स से आपका बार बार रिवीजन कर सकते हैं, और बार बार रिवीजन कीजिएगा तो रिवीजन 2 ही से ब्रिलियंट बन जाता है। रिवीजन कीजिएगा तभी आप ब्रिलियंट बन सकते हैं, रिवीजन नहीं कीजिएगा आप एकदम लोअर नूब बनते चले जाइएगा, ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे बताए गए बात को आप लोग कुछ नहीं तो इसमें सीखे होंगे, और सीखे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं मैं इस अगले क्लास को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।